नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो बटन मशरूम है उसका कैप जो बटन है वो खुल जाता है, तो उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमें प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उसका सॉल्यूशन हमने क्या किया वो आज मैं आपको बताऊँगा। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, आपने जितना भी सपोर्ट किया है उन सब दोस्तों के लिए धन्यवाद, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अब आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम का और कुछ और एक दो और चीज़ें सोच रखी है, तो उन सब का देखते हैं। लाइव स्ट्रीम का मैंने देखा था कि अभी टाइम लगेगा, कुछ अप्रूवमेंट लेने पड़ते हैं मोबाइल लाइव के लिए, मोबाइल से लाइव करने के लिए, और कुछ और एक दो काम करने पड़ते हैं उनके बाद कुछ टाइम लगेगा, 4-5 दिन का, उसके बाद शायद मिलता है, पता नहीं। मैं कन्फर्म करके और फिर आपको दिखाऊंगा, लाइव करेंगे हम और आपके क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे वो लाइव देखेंगे, क्या कुछ देखते हैं क्या किस टॉपिक पर करेंगे, तो वो सब आगे देखेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर के लिए आपका फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत सारा, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। अगला माइलस्टोन वैसे तो कोई लिमिट नहीं होती है, मिलियंस की ख्वाहिशें होती है, लेकिन फिर भी 10,000 का अगला माइलस्टोन जल्दी कंप्लीट करेंगे। आई होप अगले सीजन तक ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। इतना वैसे तो एक तरफ देखें तो टाइम बहुत कम है, 1 साल लगभग ही, 1 साल से कम ही है, और दूसरी तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 साल, 1 साल, तो दोनों सिनेरियोज हैं। देखते हैं आप कब तक पूरा करवाते हैं, अपना स्पोर्ट कैसे बनाए रखते हैं, और हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे और अपने खासकर अपने वीडियोस को इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे जैसे भी हो सकेगा उस तरह से, और आप भी सजेशन दीजिएगा तो ज़्यादा किस तरह से वीडियो को लंबा अपना। नहीं करता हूँ और बात करते हैं अपन अपने टॉपिक पर कि जो हमारी मशरूम है वो ग्रो होने से पहले ही उसका कैप ओपन हो जाता है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमारी मशरूम 3 स्टेज में ग्रो होती है, जिसमें से पहला, सबसे पहला तो होता है कि हम बटन मशरूम, जिसमें कि बटन होता है और वो बिल्कुल भी खुली हुई नहीं होती है, तो वो सबसे पहली स्टेज होती है जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं अच्छी मशरूम के रूप में, जिसको सबसे ज़्यादा डिमांड के तौर पर माना जाता है। उसके बाद ग्रेड बी होती है, इसमें हमारी जो मशरूम है उसका उसको कप की तरह साइज में देखा जाता है, और उसके अंदर जो जाली नुमा झिल्ली होती है, गिल्स जिसको बोलते हैं, तो उनका तो वो पिंक कलर की बनने लगती है। और उसके बाद तीसरी स्टेज आती है ग्रेड सी, जिसमें कि जो हमारी मशरूम है उसका जो बटन है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, और जो पिंक गिल्स होती है मशरूम में वो आगे बढ़कर ब्लैक कलर की हो जाती है, हमारी मशरूम बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है। तो इन तीनों स्टेज में से पहली स्टेज होती है जिसको हम हार्वेस्ट करते हैं, और बाकी की डिमांड कम रहती है बाज़ार में, लेकिन हम इसको रोक के सक सकते हैं, इसका भी बता देता हूँ। जैसे हमारे फार्म में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, ज़्यादातर समय में 99% के पार बताती थी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण, और पानी हम डेली डालते थे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अगर प्रोडक्शन अच्छा ना मिल रहा हो तो पानी अगर ज़्यादा डालते रहें तो उतनी उसकी खपत नहीं होती है पानी की, हमें मशरूम कम मिल रहे हैं और खपत कम कम हो रही है पानी की, हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो बैग में ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो हमें पानी की मात्रा भी कम रखनी चाहिए। इस तरह से जब बैग में पानी ज़्यादा हो जाए और मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए रूम में, ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाए, तो ग्रेड ए से ग्रेड बी में जाने के लिए यही सबसे सही कंडीशन होती है कि मशरूम अगर ज़्यादा ग्रो हो जाए तो फिर वो गिल्स में बदलने लगती है और वो ग्रेड बी में ग्रो होने लगती है, और वो एक्सपोज होकर और उसके अंदर जाली बनने लगती है, और फिर वो ग्रेड सी में आकर फ्लैट हो जाती है, जो हम जिसको हम अभी बोलते हैं कि खुली हुई मशरूम है, तो उसी स्टेज में आ जाती है फिर। तो इसके चलते देखिए, कहते हैं कि हम अपनी मशरूम को बड़ा ना होने दे, उससे पहले हार्वेस्ट कर ले, उसका साइज का कोई मैटर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप 1 4 से 5 सेंटीमीटर के साइज को तोड़ लीजिए अदरवाइज वो ओपन होने लगेगी, वो बिल्कुल छोटी मशरूम भी ओपन हो सकती है और बिल्कुल बड़ी भी नहीं होती है। कई बार हमारे फार्म में भी कई बार मशरूम रह जाती है, एक दो हमें हार्वेस्ट करने से वो अलग रह जाती है, तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन ओपन नहीं होती है, लेकिन इस टाइम में कंडीशन ऐसी आ रही है कि वो मशरूम जो छोटी है बिल्कुल पिनहेड के साइज, पिनहेड से ग्रो होने शुरू हुई है, तो वो भी लाल 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 कलर में और खुली हुई सी पहले ही दिखाई देने लगती है। उसका यही कारण है कि हमारे जो रूम में मॉइस्चर ज़्यादा है,
और पानी भी ज़्यादा है तो पानी के कारण वो लाल ज़्यादा दिखाई देती है, और मॉइस्चर के कारण वो ग्रेड बी में और सी में ग्रो होने लगती है शुरुआती टाइम में ही। उसको ग्रेड ए में कम टाइम मिलता है और इस टाइम में हम हार्वेस्ट कर नहीं सकते। हमारे फार्म में जैसे हम मैंने खुद देखा था कि जब हम मशरूम को तोड़ते हैं तो साइड बाय साइड मैंने दो मशरूम लिए थे, एक जिसमें पानी बिल्कुल कम था, एक जिसमें जो गिल्स है वो बनी हुई नहीं थी, जाली जिसको बोलते हैं, तो वो जाली नहीं बनी हुई थी और वो ओपन भी नहीं थी, बिल्कुल सही मशरूम, एकदम स्वच्छ मशरूम थी जिसको हम बाजार में बेचते हैं, और दूसरी तरफ वो मशरूम थी जिसकी जाली बनी हुई थी और वो ओपन थी, ग्रेड सी की थी। तो उन दोनों को अलग अलग लेकर मैंने उन दोनों मशरूम की जो डंडी होती है, जो स्टिक होती है, उसको दबाने से मशरूम जो अपनी सही मशरूम थी उसमें कम पानी निकला था, वो बिल्कुल हार्ड की तरह हार्ड थी लेकिन पानी कम था, लेकिन जो मशरूम है ओपन थी और बिल्कुल खुली हुई थी तो उसमें पानी बिल्कुल ज़्यादा था। और मॉइस्चर का ऐसा बता सकता हूँ कि हम जब हमारी मशरूम को तोड़ते हैं तो अपने हाथ पर कितनी जो मशरूम की स्किन है वो लगी हुई होती है, उस हिसाब से आप मॉइस्चर का पता कर सकते हैं कि कितना है। तो आपकी हाथ की हाथ पर जब आप मशरूम को तोड़े तो उस टाइम आपको पता चल सकता है कि आपकी मशरूम में पर मॉइस्चर कितना है। अगर बिल्कुल कम, बिल्कुल ही नए आपके हाथ पर मशरूम की जो वाइट स्किन होती है, वाइट स्किन होती है वो नए चिपे, तो मान लीजिए कि वो बिल्कुल ही चिकनी मशरूम हो तो आपके रूम में मॉइस्चर कम है, वो सूख रही है ऊपर से। और अगर आपके हाथ पर ज़्यादा स्किन चिप जाए मशरूम की, तो मान लीजिए कि तो ऐसा होता है कि आपकी आपके रूम में मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसके कारण बिल्कुल गीली रहती है आपकी मशरूम की स्किन और वो जल्दी चिपक जाती है। तो ये दोनों कंडीशन होती है। और इसके अलावा आप किसी मीटर का भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा ह्यूमिडिटी और कम ह्यूमिडिटी चेक करने का। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि मशरूम को दबाना और तोड़कर देखना कि हाथ पर लग रही है नहीं या नहीं लग रही है, तो ये सब तो मैंने करके देखा था। जो ग्रेड वाला सिस्टम है ये मैंने कहीं से पढ़ा था, लेकिन ये कहीं नहीं मिला कि ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा पानी की वजह से होता है, लेकिन मैंने जो देखा वो आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने काट कर दोनों मशरूम को देखा तो उनमें ज़्यादा पानी था, एक में खुली हुई मशरूम थी उसमें ज़्यादा पानी था उसकी स्टिक में, और जो नॉर्मल मशरूम थी वो बिल्कुल बिना अगर हम दबाए तो कोई मामूली सा ही दिखाई देता है, वो भी जब बिल्कुल हार्ड दबाए, और मान लीजिए कि एक भी बूंद नहीं गिरेगी अगर सही मशरूम को दबाएं, उसकी स्टिक को दबाएं, लेकिन वैसे मैंने, और दूसरी तरफ जो खराब मशरूम थी जिसका कैप खुला हुआ था, ऊपर से खुली हुई मशरूम थी, उसकी तीन से चार बूंदें आराम से गिर रही थी, तो इतना ज़्यादा पानी था। इसलिए हमने पीछे कुछ टाइम से वाटरिंग भी नहीं करी थी, 2-3 दिन से, और आज हमने वाटरिंग करी और अब आगे एक दिन छोड़कर और एक दिन वाटरिंग करेंगे ताकि सही मेंटेन हो सके और प्रोडक्शन और हमारे प्रोडक्शन पर इफेक्ट ना पड़े। हमारा प्रोडक्शन अभी लगभग 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल के बीच में हो रहा है और अभी प्राइस भी ड्रॉप हो गए हैं। और ये समस्या आप अगर आपके फार्म में आ रही है तो आप देखिए कि या तो आपके रूम बैग में पानी ज़्यादा हो सकता है, और दबाकर आप अगर मशरूम को देखेंगे, ये मैंने खुद करके देखा है इसलिए आपको बता रहा हूँ, कहीं पर लिखा हुआ मुझे तो नहीं मिला, मुझे सिर्फ वो सिस्टम मिला कि मशरूम की ग्रो कैसे होती है, और उसमें ये भी लिखा था कि साइज़ का कोई मैटर नहीं होता है ग्रेड ए ग्रेड बी से, तो वो अपने सिचुएशन के हिसाब से होती है, वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा ग्रो नहीं होने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप अगर बड़ी नहीं होने देंगे मशरूम को तो वो ग्रेड बी में नहीं ग्रो होगी या सी में नहीं होगी, उसको एनवायरनमेंट अगर सही मिलेगा तो वो बी और सी में आराम से हो जाएगी, उसका साइज से कोई मैटर नहीं है। तो आप ये करके देख सकते हैं कि अपने रूम में देखिए कि अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो ताज़ा हवा दीजिए जिससे मॉइस्चर कम हो सके, और पानी ज़्यादा है तो आप जैसे डेली डालते हैं तो एक दिन मत डालिए, 2 दिन मत डालिए, उसके बाद एक दिन डाल लीजिए, उसके बाद एक दिन या फिर 2 दिन, जैसे आपकी रूम की कंडीशन है उस हिसाब से डिसाइड कीजिए, या तो आपको बीच में एक दिन का गैप देना है या फिर 2 दिन का देना है, वो आप पर डिपेंड है, आपके रूम का क्या एनवायरनमेंट है और क्या कंडीशन है। आप अगर ज़्यादा ताज़ा हवा देंगे तो आपको डेली पानी भी देना हो सकता है, वाटरिंग करनी हो सकती है, लेकिन
वो अमाउंट कम कर दीजिए जितना पानी डालते हैं, उससे हाफ कर दीजिए या फिर उससे भी कम कर दीजिए, क्योंकि अगर ताज़ा हवा देंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी मशरूम की ऊपर की स्किन है वो सूखने लगेगी, इसलिए वाटरिंग भी देना ज़रूरी है। बिल्कुल भी सारे दिन ताज़ा हवा मत दीजिए, लेकिन जो ताज़ा हवा आप देते आ रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए। तो यही सब बताना था आपको, और फिर से वीडियो तो और फिर से वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाए, आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया। आगे भी करते रहिए और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए डेली वीडियोस आए। कभी कभी डेली वीडियोस नहीं आ पाते हैं, लेकिन क्योंकि अभी फार्म में भी काम ज़्यादा हो गया है, मशरूम तोड़ने और पैकिंग करने, मार्केट में भेजने के अभी, और ये सब काम के कारण, तो ये सब काम करने की वजह से यूट्यूब की तरफ थोड़ा कम ध्यान जा रहा है और एडिटिंग में टाइम लगता है, इसके कारण से वीडियोस डेली नहीं आ पाते हैं। कोशिश करूँगा कि डेली आए वीडियोस। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए ज़रूर। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको डेली आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और डेली वीडियोस डालने की कोशिश करता रहूँगा, मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और 1,000 सब्सक्राइबर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स 1,000 की संख्या में हो गए हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे, ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। धन्यवाद।